जब भी किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ लड़कों में बटेगी या वो प्रॉपर्टी लड़कियों में भी बटेगी। तो आज हम वही बात करेंगे कि इंडिया में प्रॉपर्टी को लड़के और लड़कियों में किस तरीके से बांटा जाता है। और तो और हम ये भी बात करेंगे कि क्या जब भी लड़कियों की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उस लड़की का अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट होता है या फिर नहीं। इसमें सबसे पहले बारी आती है किसी भी एक लड़की के फादर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उस लड़की के फादर के नाम पर कोई भी एक प्रॉपर्टी है और मरने से पहले उसके फादर ने उस प्रॉपर्टी को किसी भी सेकंड पर्सन के नाम पर ना तो की होती है और ना ही कोई भी विल बनाई होती है कि उनकी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांटा जाए और किन लोगों में बांटा जाए। तो ऐसे में फिर क्या होगा? ऐसे में आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक पर्सन है ए और उसके तीन बच्चे हैं बी सी और डी, जिसमें बी और सी तो लड़के हैं और जो डी है वो एक लड़की है और जो ए की वाइफ है उसका नाम है जेड। ऐसे में ए के नाम पे एक प्रॉपर्टी है यानी कि बी सी डी के फादर के नाम पे और ये प्रॉपर्टी है 80 मीटर की। एक दिन ऐसा होता है कि ए की डेथ हो जाती है और फिर पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी ए ने ना तो किसी बच्चे में बांटी होती है तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांटा जाएगा। ऐसे में ए के जाने के बाद चार लोग बचते हैं, बी सी डी और साथ में उसकी वाइफ, और फिर जो ए की प्रॉपर्टी है 18 मीटर की उसे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 सब बच्चों में बांटा जाएगा और साथ में उसकी वाइफ में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो सिर्फ बी और सी को मिले, डी को लड़की होने के नाते उस प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे में जैसे लड़कों का अधिकार है वैसे ही लड़की का अधिकार है अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो चलिए इसमें अगला सवाल आता है, मान लो जो डी है जो बी और सी की सिस्टर है, अगर उसकी शादी पहले ही हो जाती है और शादी के बाद उसके फादर की डेथ होती है तो डी को अपने फादर की प्रॉपर्टी में से कोई भी राइट मिलता है या फिर नहीं, यानी कि अपने फादर की प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर मिलता है जैसे ही उसके भाइयों को मिलता। तो ऐसे में कानून ये कहता है एक लड़की की शादी होने के बाद भी उसके फादर की प्रॉपर्टी पे उतना ही राइट रहता है जितना कि उसके भाइयों का राइट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि अगर कोई भाई बहन है और ऐसे में उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को 50-50 ही बांटा जाएगा दोनों भाई बहनों के बीच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100% एक भाई को ही प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जिसके ऊपर एक अमेंडमेंट आया था 2005 के अंदर जो कि लागू हुआ था 9 सितंबर 2005 को, और उसमें ये कहा था किसी भी एक लड़की के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी हो तो ऐसे में उस लड़की को भी उस प्रॉपर्टी में एक राइट मिलेगा जब वो लड़की उस फैमिली में पैदा होती है। उसी दिन उस लड़की को अपने घर की एक इंसेसल प्रॉपर्टी यानी कि एक पैतृक संपत्ति में भी इक्वली राइट मिलेगा जितना कि एक लड़कों को मिलता था। वहीं अगर हम बात करें 2005 से पहले, मान लीजिए अभी आप 2003 के अंदर हैं, ऐसे में एक लड़की की ग्रैंडफादर के फादर ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी हो तो ऐसे में एक लड़की को एक पैतृक संपत्ति में कोई भी राइट नहीं दिया जाता जितना कि एक लड़कों को दिया जाता था। तो 2005 के अंदर इस चीज को बदला गया और लाया गया कि एक लड़की को भी एक इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में इक्वल राइट मिलेगा जैसा कि उसके भाइयों को मिलता है। तो जैसा कि आपने आज ये समझ लिया होगा कि एक लड़की को अपने फादर के अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में कितना राइट है और कितना राइट एक लड़को जितना होता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।